कूड़ाघाट स्थित गन्ना शोध संस्थान में करोड़ों की लागत से बन रहे एम्स परिसर में जल जमाव के कारण कार्य अवरुद्ध हो रहा है, जिसकी सूचना नगर निगम प्रशासन को मिली तो रविवार को नगर आयुक्त की निगरानी में 4 पोक लैंड मशीन और 3 जेसीबी के माध्यम से नालों पर किए गए अतिक्रमण को स्थानीय लोगों की सहमति से हटाया गया। बताते चलें कि बीते दिनों हुए भारी बारिश के कारण शहर में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई, जिसके कारण वार्ड नंबर 20 विष्णुपुरवा मोहल्ले में नालों पर कब्जा होने के कारण जल निकासी में बाधा पड़ने लगी। गन्ना शोध संस्थान में भारी जल जमा होने के कारण करोड़ों की लागत से बन रहे एम्स निर्माण में बाधा होने लगी। इसकी सूचना जब नगर निगम प्रशासन को मिली तो नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह अपने दल बदल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की सहमति से अतिक्रमण को हटवाया गया। नगर आयुक्त ने अतिक्रमण हटवाकर जल निकासी के लिए 2 फीट का नाला बनवाने का तत्काल निर्देश दे दिया। इस अभियान में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, संयुक्त नगर आयुक्त सुमित कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, सफाई इंस्पेक्टर पीएन गुप्ता, जीडीएस सचिव राम सिंह गौतम, अधिशासी अभियंता मनोज श्रीवास्तव, पार्षद पति राघवेंद्र सिंह सहित राजस्व निरीक्षक नगर निगम अनिल सिंह के नेतृत्व में परिवर्तन दल की पूरी टीम मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, इधर तो लोग आ गए, इनका गिरा के हेलो इधर तोड़वा के तो जैसे भी मना हाँ ठीक है इधर से आ जाए, इधर से तोड़ते हैं नाले का से नाला उधर हमारा कम से कम बात सुना लोग अपने उसमें लगे हुए हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो निर्णय लेना है नगर निगम ही ले, आपसे कोई मतलब है नहीं, उससे मतलब आधे घंटे में तो हो जाए पूरा। ठीक है सर, ठीक है। जो भी बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं सुन लिया, एक जैसी भी है एक और बुलवा लीजिए। वहाँ से एक दिन में इतना पैसा नुकसान हो रहा है, एक दिन विलम्ब होने से। नहीं साहब, अगर हमारे पास पहले कोई ऑप्शन हमको दे दिया होता तो हम शुरू से सर 8 साल से इसी लेते। क्या करिए नगर निगम, ठीक है। नंद
इंदिरा नगर से शुरू होके ये नाला एम्स के पास बीच से गुजरते हुए इस 20 नंबर वार्ड के बीचों बीच रामगढ़ ताल तक जाता है। बीच में ये अनियोजित निर्माण की वजह से लोगों ने नालियों पे अवैध निर्माण कर लिया गया था। इसी अवैध निर्माण को सबकी सहमति से एक अभियान चला करके हटाया जा रहा है। यहाँ पर 2 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरे नाले का निर्माण नगर निगम के द्वारा कराया जाएगा और आज पूरे मोहल्ले वालों की सहमति से और पीछे विद्यालय के लोग हैं उनकी सहमति से इस नाले की खुदाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सभी लोग इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं और जल्द ही इस कॉलोनी में नाले का निर्माण पूर्ण करा दिया जाएगा ताकि लोगों को जल जमाव से मुक्ति मिल सके।